सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है गाइज, वो स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैप राउंड 2 के लिए कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो एडिट करना है। इसमें गाइज आपको थोड़ी जो चीज़ है वो डिफरेंट तरीके से देखने को मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा होगा, उनको और भी ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो एडिट करना है, क्योंकि जो कॉलेज आपको लगा होगा उसका ऑप्शन आपको कुछ अलग टाइप से देखने को मिलता है। वो कैसे देखने को मिलता है, क्या उसका प्रेफरेंस रहता है, ये सारी जो चीज़ है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज़ आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और कर देना है गाइज़ लॉगिन। लॉगिन करते ही गाइज़ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में गाइज़ आपको कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर गाइज़ आपको सिंपली कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही गाइज आपको यहाँ पे सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार पढ़ लेना और क्लिक कर देना स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शंस पे। इस पर क्लिक करते ही गाइज सेम आपको इंटरफेस आएगा जैसे हमें कैप राउंड 1 में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको गाइज जो भी स्ट्रीम चूज़ करना है वो स्ट्रीम जो है वो आप चूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा फिल्टर्स है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स, इसमें भी जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर देना, जैसे माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे थे कि ये कॉलेजेस के ऑप्शंस हमें देखने को ही नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे आप सारे जो फिल्टर्स है वो टिक कर देना, तो आपको सारे जो ऑप्शंस है वो फिर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे यूनिवर्सिटीज़ में सारी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं चाहिए, तो जो जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस डालना है वो ही यूनिवर्सिटी को जो है मैं सिलेक्ट करूँगा। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो। तो इससे गाइज़ आप इजीली अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे, ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होगा। एंड फिर गाइज़ क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे। तो यहाँ तक तो सेम ही प्रोसेस है गाइज़ जैसे कैप राउंड 1 में थी। अब गाइज़ देखो थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में जो GS रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है वो अलॉट हुआ था। तो देख सकते हो गाइज़ ये जो कॉलेज है वो इसको ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है, बाकी सारे जो कॉलेजेस है वो नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रेड कलर में लिखा आ रहा है यू आर करंट अलॉटेड चॉइस कोड, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ होगा कैप राउंड 1 में, उनको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा अगर वो कैप राउंड 2 में गए होंगे तो। और बाकी सारे कॉलेजेस सेम जैसे पहले थे। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा उनको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कैप राउंड 1 में आपने ऑप्शन फॉर्म फिल किया था वैसे ही आपको कैप राउंड 2 में भी जो है वो फिल करना है। अब गाइज प्रेफरेंस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर सेव एंड प्रोसीड पे हम कर देते हैं क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस प्रेफरेंस, ठीक है। तो इस स्टूडेंट को जो रायसोनी कॉलेज है वो लगा है, तो अपने आप देख सकते हो गाइस इसका जो प्रेफरेंस है वो लास्ट नंबर पे चला गया है, ठीक है। और जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में अलॉट हुआ है उसका जो प्रेफरेंस है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, उसका जो प्रेफरेंस है वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा अगर आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे तो, ठीक है। अगर आपको बाकी का प्रेफरेंस चेंज करना है तो उसका आप जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर पाओगे, ठीक है, एरो पे क्लिक करके। बट अगर जो कॉलेज आपको लगा है उसका प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको आपको जो है लास्ट पे ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज फिर अलॉट नहीं होता है तो जो कैप राउंड 1 में लगा था वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो लास्ट नंबर पर अपने आप चला जाता है, वो आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। फिर आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज फिर आप आ जाओगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपना पूरा प्रेफरेंस वाली लिस्ट। और यहाँ पे देख लेना कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है, अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप पीछे जाके और जो कॉलेजेस है वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है तो प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें करना है वो कर सकते हो। बट एक बार आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के OTP डाल के कन्फर्म करोगे तो फिर उसके बाद आप कोई भी जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसका याद रखना। तो ऐसी है गाइस कैप राउंड 2 की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और ये मैंने आपको बता भी दिया कि जो कॉलेज अलॉट होता है वो कहाँ पे आता है, ठीक है। साथ ही में गाइस जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, स्पेशली डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अपलोड की है, जैसे टॉप कॉलेजेस इन पुणे, मुंबई, नागपुर और भी काफ़ी सारी चीज़ है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में जो वैकेंसी लिस्ट है वो भी आई है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स अब अवेलेबल है। तो वो PDF भी टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
और गाइज अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स के थ्रू आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।